एक बार एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। एक दिन वो एक नई साइकिल लेकर आता है, तभी उसका दोस्त बिट्टू मिलता है। क्या रोहन, मजे हो रहे हैं भाई? नई साइकिल? क्या मिट्टू भाई, आप भी ना? अरे साइकिल ही तो लाया हूँ, कोई फरारी थोड़ी खरीद ली। अरे नहीं नहीं रोहन, ये गांव की सबसे अच्छी साइकिल है। और देखो क्या चमक रही है भाई, मुझे तो मजा आ गया, मुझे भी दे देना कभी कभी। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। ले लेना बिट्टू भैया, आपको कभी मना किया है मैंने कभी है? क्या साइकिल है, देखकर ही मजा आ गया। ये बिट्टू कह तो सही रहा है, लेकिन ये साइकिल इस बंदर के पास नहीं बल्कि मेरे पास होनी चाहिए। इसके बाद चुड़ैल चुपचाप से रोहन का पीछा करने लगती है। उधर रोहन अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर रोहन साइकिल को अपने घर के बाहर खड़ा कर देता है और उसमें लॉक लगा देता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है। चला गया? अब मैं चलाऊंगी ये साइकिल। जब मैं जिंदा थी तब चलाती थी, अब मौका मिला है। थोड़े मजे तो ले लूं। उसके बाद चुड़ैल साइकिल का ताला खोलती है और साइकिल चलाने लगती है। सच में ये साइकिल तो गजब है, अब तो रोज रात को मजे लूंगी। अगले दिन रोहन उठता है और साइकिल को देखता है। साइकिल का ताला खुला देखकर उसे कुछ शक होता है और वो अपने पिताजी से पूछता है। अरे पिताजी, आपने साइकिल चलाई थी क्या? मेरी साइकिल का ताला खुला है। अरे बेटा, इस उम्र में मैं क्या साइकिल चलाऊंगा, मेरे तो घुटने वैसे ही जवाब दे चुके हैं, तुम ही बंद करना भूल गए होगे। इधर चुड़ैल रोज रात को साइकिल उठाती और रात भर साइकिल चलाती और साथ में गाना गाते जाती। सो गया ये जहां, सो गया रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया रास्ता, सो गई है सारी मंजिलें, हाँ सारी मंजिलें, सो गया साइकिल का मालिक। सो गया साइकिल का मालिक। ए औरत, रात में अकेले कहाँ घूम रही है, चल घर निकल, नहीं तो बोलेगी कि गुंडे छेड़ते हैं। लेकिन चुड़ैल जाने की बजाय उसकी तरफ घूम जाती है। आजा पिया तुझे प्यार दूं, गोरी बैया तो पे वार दूं। आजा पिया। अरे मर गया रे, मम्मी बचा लो बचा लो। पुलिस वाला भाग जाता है। ओहो, मेरी खूबसूरती देख भी नहीं पाते। बहुत डरते हैं ये सब अपनी बीवियों से। धीरे धीरे चुड़ैल को रोज साइकिल चलाने की आदत हो जाती है और उसका मन दिन में भी नहीं लगता। ये साइकिल चलाने में कितना मजा आता है, मन ही नहीं भरता। रात में तो मैं चला लेती हूँ, लेकिन दिन का क्या करूँ, एक तो लोग भी तो मेरी खूबसूरती से डरते हैं। तभी वो एक सुंदर लड़की का रूप बदल लेती है और रोहन के घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी रोहन कॉलेज जाने के लिए निकलता है, तभी चुड़ैल उसके पास आ जाती है। जी मेरा नाम काजल है, मैं भी आपके कॉलेज में पढ़ती हूँ, क्या आप मुझे अपने कॉलेज तक छोड़ देंगे? अगर आप बोलोगे तो मैं ही साइकिल भी चला लूंगी। जी 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 छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे पास तो साइकिल ही है, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। लेकिन आप साइकिल चला लेंगी मुझे बिठाकर? जी मुझे कोई परेशानी नहीं है, बोलो तो बैठाकर दिखाऊं। रोहन भी मजे से काजल के पीछे साइकिल पर बैठ जाता है और चुड़ैल भी साइकिल चलाने लगती है। रोहन ये देखकर हैरान रह जाता है। क्या लड़की है यार, बहुत जान है भाई इसमें, मुझे भी उठाकर चल रही है, वाह वाह। इस तरह रोज चुड़ैल काजल का रूप बदलती और रोज रोहन के साथ कॉलेज जाने लगी। और कॉलेज पहुंचने के बाद रोहन जैसे ही अंदर जाता वो उसकी साइकिल चलाती। एक दिन बिट्टू उन दोनों को साथ में देख लेता है और रोहन को शाम को बुलाकर पूछता है,
क्या बात है रोहन, साइकिल के आते ही इलू इलू शुरू कर दिया है भाई। और इतनी सुंदर लड़की कहाँ मिल गई तुझे भाई? मिल गई क्या मतलब? कोई सामान है जो दुकान से मिल गई? अरे पास में रहती है और बता रही थी कि पास वाले बनवारी जी की दूर की रिश्तेदार है। क्या बात कर रहा है भाई, तुझे पता है बनवारी जी और उनकी बेटी काजल तो एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं कब के? क्या बात बोल रहा है बिट्टू, मैं तो इसको गर्लफ्रेंड बनाने जा रहा था। ऐसे मत डरा यार, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, कोई और बनवारी जी होंगे। ओ भाई आशिक जी, अपने गांव में एक ही बनवारी जी है भाई, ये कोई और लफड़ा है। हंस मत भाई, मेरी मदद कर। उसके बाद दोनों एक योजना बनाते हैं। उधर अगले दिन चुड़ैल फिर से काजल के रूप में रोहन के पास आती है और उसे चलने के लिए कहती है, लेकिन इस बार रोहन उसे साइकिल के पीछे बैठने के लिए कहता है। अरे काजल, तुम रोज मुझे बिठा कर ले जाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो मैं आज तुम्हें बैठा कर ले जाता हूँ। ये बात सुनकर काजल थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन रोहन के बार बार कहने की वजह से पीछे बैठने के लिए मान जाती है। रोहन काजल को बैठा कर चल पड़ता है। यार ये नास मिट्टी तो कितनी भारी है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लड़की इतनी भारी नहीं हो सकती, मुझसे तो साइकिल भी नहीं चल पा रही। कहाँ फंस गया रे रोहन तू? लगता है इसे मुझ पर शक हो गया है, अगर ज्यादा चूचपड़ करेगा तो इसका कीमा बनाकर खा जाऊंगी। बहुत आशिक बना फिर रहा है नकारा कहीं का। थोड़ा आगे जाने के बाद रोहन काजल को कहता है। काजल एक बात बताओ, तुम कह रही थी कि तुम बनवारी जी की बेटी हो, लेकिन मेरा एक दोस्त तो कह रहा था कि उन्हें मरे तो सालों हो गए। काजल अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। मेरे शाहरुख खान, तो मैंने कब कहा कि वो जिंदा है? मर गया है वो बुड्ढा, जब मैं जिंदा थी तो बहुत लाइन मारता था, ठरकी कहीं का। वैसे मैं काजल वाजल नहीं हूँ, मैं बरगद की चुड़ैल हूँ। और मुझे तेरी ये साइकिल पसंद आ गई है, अब मैं रोज इसे चलाऊंगी, नहीं तो तेरी जान ले लूंगी। रोहन साइकिल छोड़कर वहां से भाग जाता है। बंटी जो उसका पीछा कर रहा होता है वो भी चुड़ैल को देखकर दूसरे रास्ते से भाग जाता है। दोनों गांव के अंदर एक जगह पर मिलते हैं। बंटी मेरे भाई, तू सही कह रहा था, वो तो चुड़ैल निकली। यार वो तो मुझे मारने की धमकी दे रही है, हम क्या करेंगे? बता यार कुछ, मेरी जान बचा, नहीं तो वो मेरी जान ले लेगी। तू ही आशिक आवारा बना फिर रहा था बनवारी की लड़की के पीछे, रुक खुद सोचने दे, तब तक साइकिल उसे चलाने दे। अगले दिन बंटी और रोहन एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। बेटा रोहन, तुम तो गलत फंस गए। साइकिल चोर चुड़ैल। बाबा हंसो मत, मेरी बात सुनो और मेरी जान बचाओ, वो चुड़ैल मेरी जान ले लेगी। डरो मत, मेरे रहते वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, आज रात ही इसका मैं उपाय कर दूंगा। रात में चुड़ैल फिर से साइकिल चलाने के लिए आती है, लेकिन इस बार उसे साइकिल का ताला खुला मिलता है और साइकिल की गद्दी भी हटी होती है। लगता है राजा जी ज्यादा ही डर गए। साइकिल का ताला ही खोल रखा है। चुड़ैल साइकिल लेकर निकलती है, लेकिन गद्दी ना होने की वजह से जैसे ही सीट पर बैठती है, अरे मर गई रे, ये सीट कहाँ गई, चुप गया रे, दर्द हो रहा है, मर गई रे मर गई। तभी तांत्रिक बाहर आ जाता है। यो, आया मजा, बहुत दिनों से बच्चों को परेशान कर रही थी। आह तो ये सब तेरा किया धरा है, बुड्ढे में तेरी जान ले लूंगी, आह कितना दर्द हो रहा है। लेकिन तभी तांत्रिक उस पर भभूत छिड़क देता है
चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है।